सबसे पहला आप हैं कैसे कॉमेंट कर दो। बीमारी वो भी बताना मसला नहीं है, शिरकत है। और तो आया हूँ इस साइड पे, काफ़ी पुरसकून जगह है, ना कोई शोर ना कोई और चीज़ें, बस सिर्फ ठंडी हवा चल रही है। काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस जगह को। अगर आप लोगों को भी नज़र आए ये पूरा एरिया, एंजॉय। वहाँ पे बकरियाँ चल रही है, मैंने कहा चलो थोड़ा, ये चुंटियाँ निकली हुई है, ये तो सारे मेरी तरफ आ गए। तो आप हैं कैसे, कैसे चल रहा है, क्या मसरूफियात हैं? काफ़ी मेरी तो थी छुट्टियाँ सर्दियों की, आया हुआ था अपने इलाके। अभी चारों को मेरी यूनिवर्सिटी खुल रही है, अभी जाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी, वहाँ जाने का इरादा है। तो दोस्तों ने कहा कि फ़िलहाल ना हो, मैंने कहा क्यों, कहा देखे हम कोई भी नहीं आ रहा। मैंने कहा यार ये बात भी सही है, चलो पहला हफ्ता इतनी महंगाई जाऊँगा, वहाँ एक हफ्ते का खर्चा भी तो डबल हो जाएगा मुझसे, अकेले रहूँगा। पहले तो दोस्त थे तो खुद पकाते थे, जो भी सिस्टम करना था खुद ही करते थे। तो अभी दोस्त भी कह रहे हैं कि हम लेट आएंगे, मैंने कहा ठीक है 13 को खुल रही आ जाएंगे, यही 17-18 को हम सब चले जाएंगे। उन्होंने कहा सही है। ये इसके हवाले से ये पौधा पहले देख ले, मैं फिर बताता हूँ। ये जो पौधा है ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वो जो मलंग लोग नहीं है जो किसी दुकाने में चले जाते हैं वो धुआं करने के लिए, पता नहीं नज़र के लिए, ये वो पौधा है जो वो लोग जलाते हैं धुआं करने के लिए। इसको काट लेते हैं, खुश कर लेते हैं, फिर उसी हवाले से इस्तेमाल। यहाँ भी हमारे बहुत से लोग ही इसी वजह से भी इस्तेमाल करते हो, दूसरी अगर मच्छर वो कहीं पर ज़्यादा हो ना तो ये इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से मच्छर भी चले जाते हैं। ये पहाड़ इस तरह की लोकेशन भी आप दिखाऊँ, ना कोई बात ही ना कुछ, मैं हूँ और ये खूबसूरत मंजर है। वाह करते करते थे गए हम, ये जगह थोड़ी साफ नज़र आई तो मैंने कहा यहीं पे बैठ जाऊँ, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर आगे की जानब चलना पड़ेगा। तो इसी जगह पे चढ़ना पड़ेगा, ये है काफ़ी मुश्किल रास्ता यार, कोशिश करूँगा, हो गया तो सही वरना मैं तो विराग बंद करूँगा, नहीं चढ़ पाऊँगा। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी एक चीज़ नोटिस किया, देखो यहाँ पे आबादी नहीं है लेकिन फिर भी हम कितना नुकसान कर रहे हैं। ये देखो ये शापर एक, इसको उठा लो यार, ये कपड़ा है, ये दो, ये फिर मैं किसी अगर रास्ते में कहीं और जगह ऐसी जगह में फूल, ये देखो नस्वार। मतलब हमारे लोगों को दरअसल एहसास नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं होगा कि इन शापरों का कितना नुकसान है। ये देखो तब तक ये लोग देखते रहेंगे, इनको चाहिए कम से कम एक छोटा सा शाफर है, अभी अगर ये जेब में भी रख ले और डस्टबिन में डालें, फिर जब ये लोग आते हैं वहाँ ये शाफर वगैरह खरीदने के लिए ना, जो साफ शाफर, फिर वो रिसाइकल करते हैं, इस तरह हमारा माहौल भी साफ रहेगा। अभी इतनी छोटी सी जगह पे, तो अभी इस पहाड़ पर इतनी ज़्यादा शाफर है और जगह पर कितनी ज़्यादा होंगी, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये सारा जो आज हमें नज़र आ रहा है 20-25 साल बाद ही हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा इन शापरों की वजह से, क्योंकि काफ़ी नुकसान देती है ना ज़मीन को।
सफ़र जारी है। डर भी लग रहा है क्योंकि देखो ये रास्ता है ना कि अभी इस रास्ते पे कौन चढ़ सकता है। हाँ मेरे हाथ से शाफर ना गिर जाए जिस वजह से मैंने पलट किया ऐसा ना वो भी ना कर पाऊँ। तो मेरे ख्याल मुझे अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रही है ना। तो किसी और दिन मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे।